आपसे रिक्वेस्ट है युवराज के नाना जी, कृपया करके युवराज से विष्णु को मिलवा दीजिए, या तो पेशी पे या तो जेल जाके। दोस्तों नमस्कार, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइए। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस भैया के चैनल में। और दोस्तों आज हम नाना को लेके जा रहे हैं विष्णु भैया से मिलवाने। और नाना काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हमको मिलना, तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, किसी से आप सबको अपडेट दे दें। और चलिए वहाँ चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं विष्णु भैया क्या बोलते हैं आज। और कुछ सामान भी लेके जाना है, और क्या क्या सामान लेके जाना आप लोग वीडियो बने रहिए, अभी हम आप सबको दिखाएंगे। और यहाँ नाना है, नाना से नाना कितना दिन बाद मिले जाते हो आज भैया से? दो महीना हो गए देख लो। रोईबा नहीं है? रोईया ने हिम्मत रखे रहिया। दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हैं, फिर भी आप सब जानते हैं कि एक बड़ा भाई और एक घर का सदस्य ना रहे तो क्या स्थिति होता है। तो आप लोग बने रहिए, हम चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मंजीत भाई आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा लिए, हो गया? हाँ। कितना कॉपी हुआ? दो कॉपी। दोस्तों नाना भी रेडी हैं, और यहाँ बगल में जेल है, अभी चलते हैं हम वहाँ, थोड़ा सा गेट दिखाते हैं क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग पर्ची को लगा रहे हैं और चल रहे हैं भैया के लिए सामान के लिए। अगर मंजीत भाई है देखिए, चेक कर लेते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे है और है। और चलिए सामान खरीदते हैं, देखिए क्या क्या खरीदना है, अभी दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देखें कि हम लोग कितना सामान लेके गए थे, और जेल से मिल के घर चले आए, तब वीडियो बना रहे हैं। और वहाँ पे बातें क्या हुई बताएंगे। पहले देखिए यहाँ पे हम लोग के हाथ में मोहर लगी हुई है, बस मोहर लगी है, और नाना भी सुरती मल रहे हैं। दोस्तों वहाँ पे बात हुई है, विष्णु भैया क्या बोले हैं, नाना से पहले हाल चाल पूछे हैं, और नाना भी क्या बातें किए हैं। नाना का बतिया बोला है? ठीक बात, ठीक। हाँ का पूछत रहना है, पूछा रहना कि का ठीक बात है नाना, तो कहली हाँ बात है। कितना दिन बाद देखला है आज? आज 3 महीना हो गया। 3 महीना तो दोस्तों जो इंसान डेली सामने रहता था, आज 3 महीना हो गया दूर गए हुए। और वो सोचिए कि वो इंसान परेशान है, सबके लिए परेशान है, ऐसा नहीं कि एक इंसान के लिए परेशान, सबके लिए। और दोस्तों खास बात यह है कि विष्णु भैया युवराज को बोल रहा था मिलने के लिए कि युवराज से हमको मिलवा दो, और अपने ससुर जी से भी अपील किया है कि हमारे बेटे को एक बारी मिलवा दीजिए, एक बारी का मिलवा दीजिए, और हमको युवराज से मिलना है क्योंकि काफ़ी मोह लग रही है। तो युवराज के नाना जी से निवेदन है कि आप कृपया करके युवराज को विष्णु से मिलवा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। क्योंकि आज हम लोग गए थे, रो रहा था, काफ़ी रो रहा था, और उसको एक दिक्कत हो गई है, वो हॉस्पिटल में है, जब से गया है जेल तब से वो हॉस्पिटल ही है। उसको हेपेटाइटिस बी करके हो गया, और वो भी 1 B C D ऐसे पता नहीं क्या क्या होता है हो गया, बता रहा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है युवराज के नाना जी, कृपया करके युवराज से विष्णु को मिलवा दीजिए, या तो पेशी पे या तो जेल जाके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और रियल में आप एक बारी सोच लीजिए कि एक बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, और जितना उसका बाप मानेगा उतना कोई नहीं मानेगा, जितना उसका परिवार मानेगा उतना कोई नहीं मानेगा। तो कहना क्या है, आप खुद से एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक 2 3 4 बच्चों के बाप हैं, पापा हैं, पिता हैं, तो आपको एक पिता का अहमियत खुद पता होगा। और ऐसा नहीं है कि आज कष्ट होगा तो केवल आप ही को होगा, सबको हो रहा है, हमको भी हो रहा है, हमारा भी परिवार गया है। तो आप कुछ भी करिए तो सोच समझ के करिए, और बिल्कुल भी टूट चुके हैं हम लोग, रियल बता रहे हैं। यदि विष्णु हमारे नज़र में गुनहगार होता तो हम खुद से कहीं नहीं जाते, और हम आपसे भी बोले थे कि हम एनी टाइम आपके साथ हैं, आप कभी याद करिएगा, लेकिन आप कभी याद नहीं किए। चलिए बाकी जो होगा देखा जाएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बारी मिलवा दीजिए विष्णु से युवराज को, बाकी जो भी होगा हम आप सबको बताएंगे दोस्तों।